नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम लेकर चल रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश के लौनी की ओर। अमित प्रजापति विधायक प्रत्याशी हिंदू रक्षा दल का लौनी की जनता जोरदार स्वागत कर रही है। शांतिनगर, जोहर नगर, गुलाब वाटिका, पंचवटी, राजनगर, इंदिरापुरी सभी कॉलोनी वासियों ने विधायक प्रत्याशी अमित प्रजापति को आशीर्वाद दिया। अमित प्रजापति के साथ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने अपनी टीम के साथ लौनी में पहुंचकर अमित प्रजापति के लिए प्रचार किया। अमित प्रजापति ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज तक लौनी से शिक्षा को इसलिए दूर रखा गया ताकि लौनी के बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो नेताओं से अपना अधिकार मांगेंगे, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो भी पीता है वही दहाड़ता है। विधायक बनते ही बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा, विकास हम लोग लड़कर अपनी लौनी के लिए लाएंगे। इस बार आप फुटबॉल का 5 नंबर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। इस अवसर पर हिंदू रक्षा दल के उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक गौरव सिसोदिया ने कहा कि हम जिस लड़ाई से लड़ रहे हैं उसे पूरा विश्व लड़ रहा है। एक बार आप सभी लौनी की जनता एक सीट पर हम लोगों को जिता दो, अमित प्रजापति को विधायक बना दो, हम लोग लौनी के हर हिंदू का सर कभी झुकने नहीं देंगे। पिछले 10 सालों से अमित प्रजापति आप लोगों के बीच में मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के बीच युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि हमारा युवा गलत रास्ते पर ना जा सके। सबको एकजुट करने का काम अमित प्रजापति निरंतर कर रहे हैं। लौनी को हम सब मिलकर एक बेहतर लौनी बनाएंगे। और कहा, हम लोग इस बार नेता नहीं, ना कोई पैसे वाले को चुनेंगे, इस बार हम विधायक के रूप में एक बेटे एक भाई को अमित प्रजापति के रूप में चुन रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि इस बार लौनी की MLA सीट पर कौन बैठेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।